दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए 4 से 10 मार्च 2023 तक की 14 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इन भर्तियों के फॉर्म भरना बिल्कुल मत भूलिएगा, सुनहरा अवसर निकला है। 8वीं 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट इन सभी भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किन किन विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन सभी भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं 4 से 10 मार्च 2023 तक की टॉप 14 भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है यंत्र इंडिया लिमिटेड इंडियन ऑर्डनेंस फैक्ट्री के अंतर्गत। आवेदन प्रक्रिया इस भर्ती के लिए स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर यंत्र इंडिया लिमिटेड के लिए बम्पर भर्ती की अपडेट आ चुकी है। ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 5,395 वैकेंसीज निकली है। 30 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो। ITI और नॉन ITI दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं और 10वीं के साथ में ITI पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। 15 से 24 वर्ष आयु सीमा है। 200 और 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है। SC ST फीमेल UR OBC सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हो। बिना एग्जाम बिना परीक्षा के भर्ती है। ऑनलाइन आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो yantraindia.co.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर की जॉब है वो निकली है इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु इंटेक की भर्ती है। 3,500 के लगभग वैकेंसीज है। 17 मार्च से आवेदन चलेंगे, लास्ट डेट 30 मार्च 2023 है। 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 17.5 से 21 वर्ष आयु सीमा है। 250 रुपये फीस है। ऑनलाइन आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो agnipathvayu.cdac.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर की जॉब है वो निकली है BSF में कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन के लिए। 1,284 वैकेंसीज निकली है। 27 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास और ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये फीस है। SC ST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो recruit.bsf.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर की जॉब है वो भी BSF में निकली है। वाटर विंग ग्रुप बी ग्रुप सी की भर्ती है। इसमें SI मास्टर, SI इंजन ड्राइवर, SI यानी के सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप, हेड कॉन्स्टेबल मास्टर, हेड कॉन्स्टेबल इंजन ड्राइवर, हेड कॉन्स्टेबल वर्कशॉप, हेड कॉन्स्टेबल वर्कशॉप मशीनिस्ट और कॉन्स्टेबल क्रीव की पोस्ट निकली है। 127 वैकेंसीज है। 27 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो। 10वीं 12वीं पास ITI डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा 22 से 28 और 20 से 25 वर्ष है। 200 और 100 रुपये फीस है। SC ST को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो recruit.bsf.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर की जॉब है वो निकली है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। आयकर विभाग में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट MTS की भर्ती है। 24 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास और डिग्री पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30, 18 से 27, 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये फीस है। SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑफलाइन आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो incometaxbengaluru.org पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर की जॉब है वो निकली है ITBP में कॉन्स्टेबल GDS पोर्ट कोटा की भर्ती है। 21 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 23 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये फीस है। SST को फीस जमा नहीं करनी होगी। यहाँ पर भी ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो recruitment.itbpolice.nic.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 7 नंबर की जॉब निकली है वो भी BSF में ही निकली है। एयरविंग ग्रुप सी की भर्ती है। इसमें असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर SI और असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक SI और कॉन्स्टेबल स्टोर मैन की पोस्ट निकली है। 20 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो।
टेंथ पास और डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 28 और 20 से 25 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये फीस है। SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो recruit.bsf.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर की जॉब निकली है, वो निकली है असम राइफल्स में। टेक्निकल ट्रेड्समैन की पोस्ट है, 616 वैकेंसीज है। 19 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो। 10वीं 12वीं पास ITI डिग्री डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 23 वर्ष आयु सीमा है। 200 रुपये फीस है। SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो assamrifles.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 9th नंबर की जॉब निकली है, वो निकली है UPSC में। यहाँ पर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की पोस्ट है। 577 वैकेंसीज है। 17 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो। डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 30 और 35 वर्ष आयु सीमा है। 25 रुपये फीस है। SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो upsconline.nic.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 10th नंबर की जॉब है, वो निकली है DRDO में। अप्रेंटिस ट्रेनी के लिए 150 सीट्स है। 16 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी 10वीं पास ITI डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा 18 से 27, 30, 32, 37 वर्ष है। फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो rac.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 11 नंबर की जॉब निकली है, वो निकली है ITBP में। जी हाँ दोस्तों, ITBP CAPF की भर्ती है। यहाँ पर मेडिकल सेक्टर की भर्ती है। मेडिकल ऑफिसर के लिए 297 वैकेंसीज है। 16 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा MBBS से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 30, 40, 50 वर्ष आयु सीमा है। 400 रुपये फीस है। SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। यहाँ पर ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो recruitment.itbpolice.nic.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 12th नंबर की जॉब है, वो निकली है इंडियन आर्मी में। अग्निवीर के लिए बम्पर वैकेंसीज है। 20,000 से अधिक वैकेंसीज है। 15 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो। 8वीं, 10वीं, 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 17.5 से 21 वर्ष आयु सीमा है। 250 रुपये फीस है। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो joinindianarmy.nic.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें 13 नंबर की जॉब निकली है, वो निकली है इंडियन आर्मी में। JCO और हवलदार की पोस्ट है। 15 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो। डिग्री डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। 25 से 34, 20 से 25 वर्ष आयु सीमा है। 250 रुपये फीस है। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो joinindianarmy.nic.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 14 और लास्ट नंबर की जॉब है, वो निकली है BSF में। पारा मेडिकल स्टाफ ग्रुप बी और ग्रुप सी, इसके अंतर्गत SI ASI कॉन्स्टेबल की पोस्ट है। इंजीनियरिंग ग्रुप बी, इसके लिए इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर JEE की पोस्ट है। इंजीनियरिंग ग्रुप सी के लिए ASI हेड कॉन्स्टेबल कॉन्स्टेबल की पोस्ट है। SMT वर्कशॉप के अंतर्गत भी यहाँ पर SI कॉन्स्टेबल की पोस्ट निकली है। 157 वैकेंसीज है। 13 और 14 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो। 10, 12th ITI डिग्री डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 30, 18 से 25, 18 से 23 वर्ष आयु सीमा है। 100 और 200 रुपये फीस है। SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो recruit.bsf.gov.in पोर्टल से। तो दोस्तों ये थी 4 मार्च 2023 से 10 मार्च 2023 तक की टॉप 14 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अभिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आपको हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। लिंक यहीं पर सभी भर्तियों के आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।